बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 29 रहपुरा चौधरी से समाजवादी पार्टी से सभासद पद की संभावित प्रत्याशी सोनी खान पत्नी राशिद खान से आज उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सभासद पद की प्रत्याशी सोनी खान ने बताया, क्षेत्र का चौमुखी विकास जिसमें नालियों सड़कों का निर्माण जल निकासी की समस्या का समाधान पेयजल व्यवस्था के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना का लाभ अपने वार्ड नंबर 29 रहपुरा चौधरी की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त एवं बिचौलियों के वर्चस्व को समाप्त कर सीधा जनता तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। सपा से सभासद पद की संभावित प्रत्याशी सोनी खान ने बताया, हमने क्षेत्र के चौमुखी विकास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जो योजना तैयार की है उसके अनुसार क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जहां योजनाओं का लाभ मिलेगा वहीं क्षेत्र का चौमुखी विकास बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 29 रहपुरा चौधरी से सपा की सभासद पद की संभावित प्रत्याशी सोनी खान ने बताया, जी मेरा नाम सोनी खान पत्नी राशिद खान वार्ड नंबर 29 रहपुरा चौधरी से समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हूँ। देखिए पहली बार तो अब की बार महिला सीट है और हम यहाँ वार्ड नंबर 29 से चुनते रहे हैं मेंबर, लेकिन हम जिन उम्मीदों से उनको चुनते हैं और काम जैसा चाहते हैं वैसा उन पर वो खरा नहीं उतर पाते हैं। बस यही वजह है कि मैं चुनाव में मुझे आना पड़ा। अब वार्ड नंबर 29 से चुनाव में आए हैं तो किन मुद्दों को लेकर आए? मैं जनता से जुड़े दो मुद्दे लेकर आई हूँ। पहला मुद्दा जो है वो है क्षेत्र का विकास और दूसरा सरकारी योजनाओं का जनता तक लाभ। दो मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच चुनाव में आई हैं। पहला मुद्दा है आपका क्षेत्र का चौमुखी विकास और दूसरा है सरकारी योजनाओं का लाभ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विकास का मॉडल क्या होगा? जी मैं अपने विकास का मॉडल तो बताऊंगी, लेकिन पहले आप आए हैं इस क्षेत्र में तो आपने देखा ही होगा यहाँ की गलियाँ सड़कें कितनी गंदी, कूड़ा, साफ सफाई के नाम पर देख लीजिए आप, और यहाँ से निकलना भी मुश्किल होता है रोडों से। यहाँ पर तो ऐसा है इतना विकास हो चुका है इनका, अब मैं अपना बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये मैंने जो आपको बताया है ये अब पिछले पाँच साल 10 साल 15 साल से यही हाल रहा है इस बात का। अगर आपको यहाँ की जनता पार्षद चुनती है जी तो आप किस तरह का विकास कराएंगे? जी हमारे क्षेत्र में पानी की जो लाइनें हैं वो इतनी डैमेज हो चुकी हैं कि घरों तक पानी जो है वो गंदा पहुँचता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसको ही चेंज कराना चाहूँगी, सबसे पहले यहाँ की लाइनें चेंज कराना चाहूँगी, फिर नालियों का निर्माण कराना चाहूँगी और उसके बाद सड़कें सही कराना चाहूँगी जो कि सही तरीका है। जबकि होता क्या है कि पहले सड़कें पड़वा देते हैं और बाद में लाइनें डलवाते हैं नालियाँ बनवाते हैं, जिससे कि सड़कें टूट जाती हैं और जनता का भी सरकार का भी नुकसान होता है और जनता को भी बहुत परेशानी झेलना पड़ती है। कि क्षेत्रवासियों से जानकारी मिली है जी कि आपके यहाँ की भीषण समस्या है वो है जल भराव की, जल भराव से पूरे क्षेत्र के लोग परेशान है, इसको किस तरह से देखती हैं आप? ये आपको जिसने भी बताया है जनता ने वो बिल्कुल सही बताया, यहाँ की सबसे मुख्य समस्या जल भराव रही है। और अब से ही नहीं, मैं यहीं की पैदा हुई हूँ, मैंने 10 साल 15 साल जब से होश संभाला है यहाँ पे ये समस्या बनी रही है और इस चीज़ का एहसास मुझे अब ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मेरे घर के इर्द गिर्द इतना पानी भर जाता है जिससे निकलने में आने जाने में दुकान तक पहुँचने में लोगों को इतनी समस्या होना पड़ती है झेलना पड़ती है, और यहाँ के नमाजी जो नमाज पढ़ने जाते हैं उनको सबसे ज्यादा इसका मतलब एहसास होता है गंदगी की वजह से। ये जो जल भराव की समस्या है इसका समाधान अगर जनता आपको पार्षद चुनती है तो किस तरह करेंगे? अगर जनता मुझे पार्षद चुनती है तो ये इतनी मेरे पति ने इंजीनियरों से पूछा जल भराव के बारे में तो उन्होंने बताया कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है और इसका समाधान हो सकता है लेकिन कराने वाला होना चाहिए। कि आपके वार्ड नंबर 29 में सफाई व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, जगह जगह नालियों में गंदगी भरी हुई है, कूड़े के ढेर हैं, ये स्थिति हम लोगों ने स्वयं देखी है जी। अगर यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनती है तो इस व्यवस्था को आप किस तरीके से बेहतर करेंगे?
अगर मुझे यहाँ की जनता पार्षद चुनती है तो सफाई की समस्या भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम अपने वार्ड नंबर 29 को 4 हिस्सों में बांट देंगे और हर हिस्से में हम 2 कर्मचारी सफाई के तौर पर रखेंगे। जिम्मेदार लोगों को ये जिम्मेदारी देंगे कि उस हिस्से की साफ सफाई पे कड़ी नज़र रखें और अगर कोई परेशानी आती है तो उसको हम खुद देखेंगे। प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना जी, और इस आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए उन परिवारों को दिया जाता है जो छप्पर में रहते हैं, खपड़ैल में रह रहे हैं, टीन डालकर रह रहे हैं, जिनके पास प्लाट है और बनाने के लिए नहीं है, ऐसे परिवारों को 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। कितने प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिल चुका जी? इस योजना का लाभ जो है वो 80% लोगों को मिलना चाहिए जो कि नहीं मिला है। अगर यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनती है जी तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किस तरह लोगों को दिलाएंगी? जी अगर मुझे यहाँ की जनता पार्षद चुनती है तो मैं अपने वार्ड में सबसे पहले सर्वे करूँगी और देखूँगी कि कैसे लोग, कुछ लोग पन्नी डाल के रहते हैं, कुछ खपड़ेल हैं उनकी, कुछ अपने प्लाटों में टीन सेट डाल लेते हैं, और इस योजना का जो है सबसे पहले लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए और वो मैं दिलवाऊंगी। आयुष्मान कार्ड योजना जी, जिस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का इलाज जी गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से फ्री दिया जाता है, पूरे देश में कहीं भी वो बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा ले वो पैसा सरकार देती है जी, ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ आपके क्षेत्र में मिल चुका है? जी यहाँ की हमारे वार्ड नंबर 29 की 70% जो जनता है वो निम्न वर्ग की आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रही है, और कोई मतलब हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है और उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से, जिसका सॉल्यूशन जो है आयुष्मान कार्ड से हो सकता है और वो उनके पास नहीं, अवेलेबल नहीं हो रहा है। आपने बताया कि आपके आयुष्मान कार्ड की 70% लोगों को आवश्यकता है जी, लेकिन लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पाए जी, तो इस व्यवस्था को आप कैसे लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे? जी अब ये यहाँ की जनता का दुर्भाग्य समझ लीजिए जो उनके पास नहीं पहुँच पा रही है सरकारी योजना, लेकिन अगर मैं यहाँ की पार्षद बनती हूँ तो मैं इस योजना का उन तक लाभ जरूर पहुंचाऊंगी। इसके लिए मैं अपने वार्ड में सर्वे करूंगी और खुद इसको देखूंगी कि कौन इस योजना के लायक है और उनकी इस मतलब समस्या का समाधान करने के लिए उनकी सूची बनाऊंगी और उसके लिए मैं खुद आवेदन करूंगी उनके आयुष्मान कार्ड के लिए। एक और योजना है खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो गरीब परिवार की महिलाएं जिनके घर में लकड़ी चूल्हा जलता है, कंडे जलते हैं, उस पर वो खाना बनाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को एक सिलेंडर और एक गैस चूल्हा सरकार की तरफ से फ्री दिया जाता है। कितने लोगों को आपके यहाँ इसका लाभ मिल चुका है? जी यहाँ भी वही बात है, मैंने मेरे वार्ड में आज भी 60% लोगों के यहाँ चूल्हा जलाते हैं, वो लोग लकड़ी जलाते हैं, कंडे जलाते हैं, और अगर मैं यहाँ पार्षद चुनी गई तो मैं उनकी इस समस्या का समाधान करूँगी और उनको सिलेंडर गैस चूल्हा दिलवाऊँगी। कि आज भी आपके वार्ड नंबर 29 में 20% लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है और 10% लोग ऐसे हैं जिनके यूनिटों की समस्या है, जिनने राशन कार्ड पहले बनवाया 2 यूनिट थे, आज 5 यूनिट हो गए जी, तो ये बड़ी समस्या है जनता के लिए, और जब राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है जी, तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? जी मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मतलब हमारे वार्ड में आज भी 25% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और वो इस योजना का जो योजना से वंचित हैं, और ये नाकामी है यहाँ की जनप्रतिनिधियों की। देखिए राशन कार्ड बहुत ज़रूरी दस्तावेज है, अगर यहाँ की वार्ड नंबर 29 ने अगर मुझे पार्षद चुना तो मैं ये करूँगी कि हर परिवार तक राशन कार्ड पहुँचे। वार्ड नंबर 29 से मेरा एक परिवार का रिश्ता रहा है क्योंकि मैं यहाँ की बेटी भी थी और बेटी हूँ और बहू भी हूँ। अगर मुझे यहाँ की जनता ने पार्षद चुना तो मैंने जितने वादे किए हैं वो पूरे करूँगी बिना भेदभाव के और यहाँ पूरे वार्ड की सेवा।